नमस्कार, मैं हूं विशाल सरखा और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में संतोष मेडिकल कॉलेज के पीछे जल निगम रोड पर आज रात करीब 11 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। विजयनगर इलाके में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार घायल बदमाश मुजफ्फरनगर में खतौली का रहने वाला है और बीते करीब एक साल से लूट के मामले में फरार चल रहा था। दरअसल गाजियाबाद जिले के आला पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विजयनगर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार दो बदमाशों को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया। रुकने के बजाय बदमाश वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और प्रताप विहार कॉलोनी की जल निगम की टंकी के पास सर्विस रोड पर दोनों स्कूटी सवार बदमाशों की पुलिस ने घेराबंदी की, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश को गोली लगी और वह गिर पड़ा, जबकि घायल बदमाश का साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला।